नमस्कार, आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफ्ते। सब्जी तो आप सब कई तरह से बनाते होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से आप कच्चे केले के कोफ्ते बनाएं। केले की यह सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसका टेस्ट एकदम आलू जैसा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 पीस कच्चे केले लिए हैं। इसको हमने पानी से साफ करके लिया है। सब्जी बनाने के लिए पहले हम केले को काट लेते हैं। पहले इसके दोनों किनारों से डंठल को काट कर निकाल देते हैं। इसके बाद अब इसे हम 2 भाग करेंगे। इसी तरह से हम सभी केले को काट लेते हैं। बहुत छोटे पीस में हम नहीं काट रहे हैं, केवल इसे 2 भाग करेंगे, क्योंकि केले बहुत जल्दी से पक जाते हैं। सभी केले को हमने काट लिया है, अब इसे हम पकाएंगे। केले को हम कुकर में उबाल रहे हैं, तो कुकर में हम 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें हम केले को डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे पतीले में भी उबाल सकते हैं, लेकिन पतीले में पकाने से ज़्यादा समय लगता है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर केले को हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। गैस को हम तेज़ रखेंगे, इसे हम तेज़ आंच पर उबाल रहे हैं। कुकर के 1 सीटी बज गया है, तो अब गैस को हम बंद करेंगे और कुकर को हम इसी तरह छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम कोफ्ते के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। जार में हम 1 बड़े चम्मच घिसा हुआ सूखा नारियल डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 2 कटा हुआ टमाटर लिया है, 2 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च और 5 से 6 कलियां लहसुन। सारे चीज़ों को हम इसी जार में डालकर पेस्ट बनाएंगे। पानी हमें नहीं डालना है। टमाटर का पेस्ट बनाकर हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम कुकर को देख लेते हैं। यहाँ पर कुकर ठंडा हो गया है। अब इसका ढक्कन हटाकर हम केले को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं केले अच्छे से पक गए हैं। इसका छिलका कितने आसानी से निकल रहा है। अब इसे हम 1 बर्तन में निकालेंगे। अब सभी केले को छीलकर हम बाउल में रखेंगे, यानी कि इसका छिलका हम उतार देते हैं। पूरे केले को छीलकर हमने बाउल में रख दिया है। अब इसे हम चम्मच से मैश करेंगे, क्योंकि केले बहुत गर्म हैं, इसलिए इसे हम चम्मच से मैश कर रहे हैं। केले को मैश करने के बाद अब इसमें हम मसाले को डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम 1/2 कप बेसन को डालेंगे। बेसन डालने से कोफ्ते तलते समय फटेंगे नहीं और कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब सारे चीज़ों को हम केले में अच्छे से मिला लेते हैं। केले उबले हैं, इसलिए हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से गीले हैं। तो इसी तरह हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से केले में मिला लिया है। अब इसका हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने से पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे, जिससे हाथ में चिपके ना। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लोई निकालकर कोफ्ते को बनाएंगे। इस तरह से हम सभी कोफ्ते बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज कोफ्ते बना सकते हैं, और आप इसे चाहें तो कोई भी आकार दे सकते हैं, जैसे कि रोल के आकार में या फिर चपटे आकार में बना सकते हैं। एक एक करके हमने सभी कोफ्ते को बना लिए हैं। अब इन्हें हम तेल में फ्राई करेंगे। कोफ्ते तलने के लिए तेल गर्म है, तो 1 छोटा सा कोफ्ता हम तेल में डालकर चेक करेंगे। कोफ्ते तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म है। अब इसमें हम पूरे कोफ्ते को डालकर फ्राई करेंगे। गैस को हम धीमा नहीं करेंगे, पहले इसे हम तेज आंच पर फ्राई करेंगे। जब ऊपर से हल्के से फ्राई हो जाएंगे, तब गैस को हम मीडियम करके फ्राई करेंगे। इससे कोफ्ते अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब कोफ्ते को हम धीरे धीरे पलट देते हैं। इसी तरह इसे हम बराबर चलाते रहेंगे।
जिसे चारों तरफ से अच्छे से सुनहरे रंग में फ्राई हो जाएं। अब कोफ्ते सुनहरे रंग में अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। फ्राई करने के बाद कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं। अब इसके लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे। जीरा को अच्छे से चटका लेते हैं। जीरा भून गया है। अब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम बराबर चलाते हुए सुनहरे रंग में भूनेंगे। इसी में हम थोड़े से करी पत्ता को डाल देते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट और भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना करी पत्ते के भी सब्जी बना सकते हैं। प्याज हल्के भुन गए हैं। अब इसमें हम 2 छोटी चम्मच बेसन डालकर भूनेंगे, जिससे प्याज के साथ साथ बेसन भी सुनहरे रंग में भुन जाए और बेसन में कच्चापन न रहे। प्याज और बेसन दोनों अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। मसाले को हम प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। जो हमने टमाटर और नारियल का पेस्ट बनाया था उसे भी डालकर पकाएंगे। अब इसे हम मसाले में मिलाते हुए पकाएंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। मसाले को हम मीडियम आंच पर पका रहे हैं। इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसी तरह हम मसाले को बराबर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि मसाले जब अच्छे से पके रहेंगे तभी सब्जी अच्छा बनेगा। जैसे जैसे हम मसाले को पकाते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा और मसाले पकने के बाद तेल छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं और ये तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी डालेंगे। एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक को हम ग्रेवी में मिला लेते हैं। कोफ्ते पानी सोखते हैं, इसलिए हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, लेकिन आप चाहें तो इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिलाने के बाद अब इसमें हम कोफ्ते को डालकर मिलाएंगे। पूरे कोफ्ते को हम ग्रेवी में डाल देते हैं। अब कढ़ाई को ढककर सब्जी को मीडियम आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। लगभग 5 मिनट के बाद सब्जी को हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ते जो हैं वो फूलकर बड़े बड़े हो गए हैं और ग्रेवी भी पक गया है, यानी कि सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएंगे और गैस को हम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे केले के कोफ्ते बने हैं। यह कोफ्ते बहुत ही मुलायम और बढ़िया बना है। एक कोफ्ते हम आपको काट करके दिखाते हैं। काटने से आपको पता चल रहा होगा कितने मुलायम बने हैं। जब आपको कुछ नया सब्जी खाने का मन करें तो इस तरह से आप कच्चे केले के कोफ्ते ज़रूर बनाएं। यह सब्जी सभी को बहुत पसंद आएगा। यह सब्जी रोटी, पराठे और चावल के साथ भी खाने में बहुत अच्छा लगता है।